ट्यून बेस ऑसिलेटर इस पे जो हमारा ट्यूनर सर्किट है वो ट्रांजिस्टर के बेस के साथ कनेक्ट होता है इसलिए इसे ट्यून बेस ऑसिलेटर बोला जाता है इसे हम आर्मस्टोन ऑसिलेटर और ट्रिकलर ऑसिलेटर भी बोलते हैं इसमें जो हमारा ट्यून सर्किट है एल सी हमारा ट्यून सर्किट है एल वन एल टू हमारे सेकेंडरी कोयल है ये प्राइमरी कोयल है कनेक्ट होता है ट्रांजिस्टर के बेस के साथ कपलिंग कैपेसिटर के, के थ्रू इसलिए इसे टून बेस ऑसिलेटर बोला गया है इसमें ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है R1 और एंड जो एमिटर रेजिस्टर होता है ये तीनों रेजिस्टर बायसिंग प्रोवाइड करते हैं डीसी बायस को डिटरमाइंड करते हैं और आर और सीई ये पैरेलल कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ ये पैरेलल नेटवर्क बनाते हैं एमीटर पे ट्रांजिस्टर के जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है सर्किट को और प्रिवेंट करता है सिग्नल के डीजनरेशन को नेक्स्ट है हमारा कोयल्स जो हमारी एल होती है एल वन और एल टू ये जो कोयल होती है ये हमारी प्राइमरी कोयल होती है और ये हमारी सेकेंडरी कोयल होती है एल और L1. ये जो दोनों कोयल्स होती हैं प्राइमरी और सेकेंडरी होती है, जो होती है, रे, RF, पे, और एक प्रॉपर फीडबैक प्रोवाइड करती है करती कॉलेक्टर और एमिटर के बीच में जो प्राइमरी कोयल होती है L1 ये वाले इसको हम सब कुछ कभी कभी टिकलर कोयल भी बोलते हैं जो अमाउंट ऑफ फीडबैक होती है जितनी हमारी फीडबैक जाती है वो डिपेंड करती है जो दोनों कोयल्स होती हैं एल और एल वन इन दोनों की कपलिंग के ऊपर इसमें टू फेस शिफ्ट आते हैं जब हमारे ऑसेश प्रोड्यूस होते हैं एक तो इसके कैपेसिटर के कारण और एक होता है ट्रांजिस्टर के कारण यानी टोटल थ्री एटी थ्री सिक्सटी डिग्री का फेस शिफ्ट प्रोवाइड होता है और जो पैदल एल सर्किट है वो कनेक्टेड होता है हमारे बेस और एमिटर के साथ जो पैदल हमारा एल सर्किट होता है ये वाला ये हमारे बेस और एमिटर के साथ कनेक्ट होता है और जो इस फ्रीक्वेंसी पे ये ट्यून्ड होता है वो फ्रीक्वेंसी होगी हमारी एफ नोट इज इक्वल टू वन अपॉन टू पाई रूट ऑफ एल सी इस कॉइल को टिक्लर कॉइल बोलते हैं और यह क्या करता है प्रॉपर ऑसिलेशन्स को प्रोड्यूस करता है और हमें प्रॉपर आउटपुट देता है जो कि एल2 के थ्रू आती है अगर हम इसकी वर्किंग देखें जब हम VCC provide करते हैं, VCC supply provide करते हैं collector पे, तो क्या होता है collector पे करंट फ्लो होता, L1, L1 होता, होता है अगर इसका करंट इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ करंट इंक्रीज होगा एल वन और एल क्या होते हैं म्यूचुअली कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ l1 में जब करंट फ्लो होगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और इस फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से l में यानी प्राइमरी वाइंडिंग में भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती है ये वैरी करती है हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ जो इंड्यूस्ड वोल्ट और एक पर्टिकुलर इंड्यूस्ड वोल्टेज क्रिएट होती है हमारे ट्यून्ड सर्किट में जिससे ऑसिलेशन्स प्रोड्यूस होना होती है और एक पर्टिकुलर गेन एम्पलीफाई होता है इसमें जो R2 टू एंड सी टू आर टू एंड सी सी कपलिंग ये एक प्रॉपर बायसिंग प्रोवाइड करते हैं जो बेस करंट में जो करंट फ्लो होता है उसमें बायस प्रोवाइड करते हैं सेल्फ बायस प्रोवाइड करते हैं और जो वोल्टेज डेवलप होती है हमारे कैपेसिटर के अक्रॉस उसके बाद एक वोल्टेज डेवलप होती है हमारे कैपेसिटर के अक्रॉस इसमें क्या होगा एक बायस प्रोवाइड होगी जो बेस पे जो करंट जाएगा यहाँ से बायस प्रोवाइड होगी उसके बाद एक वोल्टेज इंड्यूस होगी हमारे कैपेसिटर पे उसकी चार्जिंग ये करता है चार्ज करना स्टार्ट करता है इसकी चार्जिंग के कारण एक क्या वोल्टेज इंड्यूस होती है जिससे सस्टेनेबल ऑसिलेशन प्रोड्यूस होती है और एल के थ्रू हम यहाँ से अपनी आउटपुट ले लेते हैं

ट्यून्ड कलेक्टर सर्किट का यूज किया जाता है एज कंपेयर टू ट्यून्ड बेस सर्किट्स।